नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है नेहाज मैजिक एंड क्रिएटिविटी। ये मेरे पास एक बढ़िया सा टेराकोटा का एक पॉट रखा हुआ था, तो इसे मैं लेके आई थी पूजा के लिए। उसके बाद अब मैं इसको सोच रही हूँ कि आजकल टेराकोटा पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बन रही है, तो मैं भी एक डिज़ाइन बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ब्राउन शेड लेकर के इसके ऊपर पेंट कर लिया। एक्लेरिक कलर है, क्योंकि इसको मैंने प्योर जैसे टेराकोटा का कलर देना था इस वजह से। तो आप भी ये कर सकते हैं, ब्राउन शेड कर लीजिए। आप इस पर डबल कोट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा ये इन्हेंस हो के आएगा कलर। और अब देखिए, इसको मैंने जो ऊपर के एजेस थे इस पर भी कर दिया, जिससे ये अगर बाहर विजिबल होगा तो अच्छे से ये दिखाई देगा। अब मेरे पास ये वाइट पेंट का मार्कर रखा हुआ था, आप चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे काम बहुत स्मूथली हो जाता है। आप इसमें मतलब काम आराम से कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, ये पेन नहीं है, तो आप पेन मतलब पेन की जगह आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। अभी आगे मैंने ब्रश का भी यूज करा है, ये तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इस तरीके से पेन का यूज करके देखिए दो लाइनें ऐसे बना दी हैं। और आगे मैं आपको पेंट से ही यूज करके दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ब्रश का यूज करते हुए उसमें ये डिज़ाइन बना रही हूँ। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, आप चाहे ये डिज़ाइन बना सकते हैं, आप चाहें तो अगर कोई और डिज़ाइन है आप वो भी बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से पूरे इसमें मैंने डिज़ाइन बना दी है। डिज़ाइन पूरी हो जाएगी तो आप इसमें जो जो ऐड करना चाहते हैं डिज़ाइन, जो मेरे माइंड में आ रही थी, मैंने उस तरीके से डिज़ाइन ऐड कर दी है। और ये देखिए, इस तरीके से कर दिया है। अब नीचे की साइड मैंने थोड़ा सा वर्ली आर्ट को ट्राई करा है, मैंने इससे पहले कभी वर्ली आर्ट ट्राई नहीं करा था, तो मैं इस पर करना चाहती थी, क्योंकि टेराकोटा का पॉट है तो इस पर वर्ली आर्ट तो वैसे भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इस पर वर्ली आर्ट ट्राई करा है। देखिए, डिज़ाइन तो आपके ऊपर है कि आपको क्या पसंद है, आप किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। तो डिज़ाइन तो आपके जो आपके मन में हो आपको हमेशा वही करनी चाहिए, इससे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। और ये धीरे धीरे मेरा पूरा पॉट जो है ये बन के तैयार है। इसका फाइनल लुक मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे यूज किया है। ये देखिए, छोटा सा पॉट है लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे DIY की तरह। तो ये है मेरा सेकंड DIY। इसके लिए मैंने एक शैम्पू की खाली बॉटल ली है, और ये पतंजलि की बॉटल थी, इसको मैंने निकाल दिया, इसका जो स्टिकर रखा हुआ था। और ये ऊपर से जो नीचे से हमारा जहाँ शैम्पू निकलता है उसको मैंने कुछ नहीं करा, एज इट इज़ रहने दिया है। और इसको कटर की मदद से मैंने इसमें एक डिज़ाइन बनाई है। वो डिज़ाइन कौन सी, आजकल जो झरोका डिज़ाइन चल रही है वही मैं बना रही हूँ। और बहुत आराम से इसे काटेगा, क्योंकि ये फिसलता भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप काट लेंगे तो ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। देखिए, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की वेस्ट बॉटलों को यूज करके हम रिसाइकिल भी करते हैं और अपने घर के लिए सुंदर सुंदर चीज़ें भी बना लेते हैं। इस तरीके के अगर DIYs आपको देखना पसंद है वेस्ट मटेरियल पे और DIYs करना पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा। तो अब मैंने जो है, क्योंकि ये ऑलरेडी पर्पल कलर में था, काफ़ी सुंदर कलर था, तो इसमें मैंने कोई कलर नहीं किया है। और जो पेन आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, इसी पेन की सहायता से पूरे इसमें मैंने फ्लावर्स वाइट निकाल बना दिए हैं। तो आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि एक तो पर्पल कलर है, उस पर इतना प्यारा सा फ्लावर्स, और बहुत ईजिली बनने वाला ये DIY है। इसमें मुझे कुछ नहीं करना था, खाली ये फ्लावर्स बना दें। और ये मेरे पास जो गोल्डन कलर था, इसके बीच में मैंने थोड़ा सा टचअप दे दिया है। आप भी इसी तरीके से छोटे छोटे DIYs करके अपने घर को खूब सुंदर सा बना सकते हैं। ये देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं। इस तरीके से मैंने पूरे इसको कवर कर दिया है। अब थोड़ा सा ये खाली लग रहा था, तो मैंने क्या करा, जो इसके हमने जो डिज़ाइन काटी थी, इसके चारों ओर वाइट पेंट से अच्छे से पेंट कर दिया है। तो इस तरीके से आप पेंट करके पूरे जो ये डिब्बा है इसको कवर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा वाइट, ये देखिए। अब इसका फाइनल लुक मैं बाद में दिखाऊंगी,
और इसके ऊपर नीचे वो मैंने छेद कर दिया था। अब ये है मेरे पास तीसरा DIY। इसके लिए मैंने जो घड़ी होती है, ये पुरानी घड़ी थी, तो मैंने इसका ऊपर का सारा जो डायल्स वगैरह थे वो हटा दिया है और शीशा हटा दिया है। ये मेरे पास शादी का कार्ड रखा था, तो इस शादी के कार्ड को मैं यूज करूँगी। और हाँ, ये आपको बता दूँ कि इससे मैंने वाइट पेंट किया था बहुत पहले, उसकी मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकती। और ये जो शादी का कार्ड था, इसको मैंने इसके बीचों बीच बिल्कुल अच्छे से चिपका दिया है। देखिए, मेरे DIY इस टाइम पे बहुत इजी मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कुछ भी नहीं करना है। और ये देखिए, मेरे पास लेस रखी थी, इसमें जो डायमंड होते ना कटिंग वाले मिरर शीशे, वो लगे हुए हैं, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था इसके साथ। तो मैंने इसको बस कुछ नहीं किया है, साइड में इसके दोनों तरफ लगा दिया है। अच्छे से लगाने के लिए इसको मैंने फेवी बॉन्ड का यूज करा है। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो, फेवी क्विक से भी हो जाएगा और फेवी कोल से भी ये काम आराम से हो सकता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये मेरे पास जो कॉपर कलर होता है उससे मैंने जो साइड का है इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब चलिए देखते हैं फाइनल लुक। ये टेराकोटा वाला जो हमने छोटा सा इसका प्लांटर बनाया, इसमें मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं। और ये जो हमने ट्रे बनाई थी, इसका फाइनल लुक देखते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर, कुछ भी नहीं करा है, खाली एक शादी का कार्ड यूज करके इसको मैंने बहुत सुंदर सा एक ट्रे बना दिया है। गाइज, इतने प्यारे प्यारे DIYs के लिए मुझे एक लाइक तो प्लीज़ दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये लैम्प का मेरे पास ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आप देखना चाहते हैं इसे मैंने कैसे बनाया वेस्ट मटेरियल से, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। ये ऊपर और नीचे इस डिब्बे मैंने छेद कर दिया था, जिससे एक हैंगिंग प्लांटर बन गया है। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली है और इसमें लगा दिया है मैंने प्यारा सा अपना फेवरेट मनी प्लांट। ये देखिए कितना सुंदर हैंगिंग प्लांट।